भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े खुलासे किए हैं। क्या कुछ कहा है रोहित शर्मा ने आपको इस वीडियो में सब बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारतीय कप्तान ने ऑस्ट्रेलिया को लेकर कहा कि उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने पिछले 8 मैच जीते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि इस वर्ल्ड कप की 2 साल पहले से तैयारी हो रही है। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि हमें उनके प्रभावी होने से कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने अपने आखिरी मैच जीते हैं, यह अच्छा मुकाबला होगा और दोनों टीमें खेलने के काबिल हैं। हिटमैन ने कहा कि यह मेरा सबसे बड़ा मूवमेंट है, मैं 50 ओवर का वर्ल्ड कप देखते ही बड़ा हुआ हूँ। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि जरूरी क्या है, बहुत फोकस और टाइम इस बात को दिया गया है कि हमें उसी पर डटे रहना है। हमने पहले मैच से एक चीज को बरकरार रखा है और वो है शांति। एक भारतीय क्रिकेटर होने के नाते आपको दबाव झेलना पड़ता है और ये स्थिर है। एक एलीट खिलाड़ी के रूप में आपको आलोचनाएं, दबाव और प्रशंसाओं को झेलना पड़ता है। इसके बाद रोहित शर्मा ने फाइनल मुकाबले की प्लेइंग 11 को लेकर बात करते हुए कहा कि सभी 15 खिलाड़ियों के पास खेलने का मौका है, हम आज और कल पिच और परिस्थितियों का जायजा लेंगे। 12-13 लोग तैयार हैं, लेकिन प्लेइंग 11 सेट नहीं है और मैं चाहता हूं कि सभी 15 खिलाड़ी मैच के लिए तैयार रहें। रोहित ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच को लेकर कहा कि भारत पाक मुकाबले में घास नहीं थी, लेकिन इस बार थोड़ी घास है, मैंने आज पिच नहीं देखी लेकिन ये स्लो होगी, हम कल पिच देखेंगे और फिर परिस्थितियों तक पहुंचेंगे। खिलाड़ियों को इस बारे में पता है, परिस्थितियां बदली हैं, टेम्परेचर भी कम हुआ है। वहीं टॉस को लेकर हिटमैन ने कहा कि टॉस फैक्टर नहीं होगा, यानी टॉस अहम नहीं होने वाला है, हम अच्छी तरह से परिस्थितियों को जानेंगे और अच्छा क्रिकेट खेलेंगे। पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल आपको रोहित के बयानों पर क्या लगता है, हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा।